हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ नई जॉब की, जो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निकाली गई है दिल्ली सरकार के लिए। इसमें कई पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी द्वारा प्लस कोर्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको लगभग 70% से 80% के बीच में डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप SSC, बैंकिंग आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप मात्र ₹350 पर मंथ में प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। साथ में आपके डाउट क्लियर सेशंस भी होते रहते हैं। यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में डिटेल में जानकारी दी गई है, आप उसे देखकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। पहली पोस्ट जो है परामर्शदाता यानी कि कंसल्टेंट की पोस्ट है, जो कि आयोजना मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की है। और दूसरी पोस्ट जो है परामर्शदाता स्वास्थ्य और पोषण की है। तीसरी पोस्ट जो है परामर्शदाता क्षमता निर्माण तथा BCC की पोस्ट है। चौथी पोस्ट जो है लेखपाल की है, परियोजना एसोसिएट की वैकेंसी है। साथ ही सचिवालय सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, और कार्यालय संदेश वाहक यानी कि चपरासी की वैकेंसी है, और जिला समन्वयकर्ता की वैकेंसी है, और जिला परियोजना सहायक की वैकेंसी है, तथा ब्लॉक समन्वयकर्ता की वैकेंसी है, और ब्लॉक परियोजना सहायक की वैकेंसी है। इसमें जो है ब्लॉक समन्वयकर्ता और ब्लॉक परियोजना सहायक, इसके लिए केवल दिल्ली के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी पोस्टों के लिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 11 मई 2020 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिल कर दें। फॉर्म को कैसे फिल करना, अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आप आसानी से फॉर्म को भर सके। अब बात करते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए मैंने इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पर जाके यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। आवेदन करने से पहले आप यहां पर दी गई सभी जानकारियों को एक बार अच्छे तरह से पढ़ लें, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सारी डिटेल। उसके बाद जो है आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर अपना 10th का रोल नंबर डालना है। उसके बाद किस साल में आपने 10th पास किया उसको सिलेक्ट करें, और उसके बाद आपको यहां पर परसेंटेज डालने हैं 10th के। फिर 12th का परसेंटेज डालना है और अपना फुल नाम डालें। फिर 12th का परसेंटेज डालना है, उसके बाद अपना फुल नेम डालें, और यहाँ पर आप अपने फादर, हस्बैंड या फिर मदर नेम डालें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप जेंडर सेलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पर सबसे पहले डेट डालें, फिर मंथ सेलेक्ट करें, उसके बाद ईयर डालें। इसके बाद आपको प्रेजेंट और पोस्टल एड्रेस डालना है। यहाँ पर पोस्टल एड्रेस डालने के बाद आप अपने राज्य को सिलेक्ट करें और ज़िले का नाम सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद आप अगले ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्वालिफाइंग है, जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस में दिया हुआ है एज क्राइटेरिया। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं तो यस कर दें। उसके बाद जो है अगर आपके पास रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तो इसको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहां पर मोबाइल नंबर डालें, और मोबाइल नंबर डालने के बाद अपनी ईमेल आईडी डालें। उसके बाद आपको अपनी कास्ट कैटेगरी डालनी है, जनरल OBC SC ST। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली डालना होगा। अगर आप पोस्ट नंबर 10 और 11 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दिल्ली के निवासी होना अनिवार्य है। बाकी सभी पोस्टों के लिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अपना कैप्चा कोड फिल करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप लॉग इन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें, और अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं SSC CGL और CHSL की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से SSC CGL और CHSL की तैयारी अपने घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का गाइडेंस मिलेगा। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस पर क्लिक करेंगे, अनअकैडमी की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑल इंडिया टेस्ट चल रहे हैं प्रीलिम्स के लिए CGL और CHSL के। ये सारे टेस्ट एकदम फ्री हैं, आप इनमें इनरोल कर लें। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। आप वहां पर क्लिक करेंगे और अनअकैडमी के वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको यहां पर सबसे पहले इनरोल करना है। आप यहां पर नीचे देख सकते हैं
कब कब मॉक टेस्ट होंगे यहाँ पर? 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और कौन कौन से सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट होंगे यहाँ पर आप एक बार चेक कर लें, उसके बाद इनरोल पे क्लिक करें। और ये टेस्ट जो है एकदम फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए क्रिएट अकाउंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालें और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, आप उस पासवर्ड को इसमें एंटर करें। पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद अपना राज्य सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें और इस तरह आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एनरोल पे क्लिक करें। बस आपको केवल एनरोल पे ही क्लिक करना है और आप एनरोल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर बैठकर SSC CGL या CHSL की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले SSC सिलेक्ट करना होगा। जैसे SSC सिलेक्ट करेंगे आपके सामने इसके सब्सक्रिप्शन प्लान आ जाएंगे, आप बस गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप एक महीने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 महीने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर 6 महीने के लिए आप यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 58% यानी कि 58% का ऑफर मिलेगा। और अगर आप घर बैठे SSC की ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 12 महीने का प्लान लें, जिसमें आपको 58% छूट मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप मेरा रेफरल कोड डालेंगे जो कि SR अड्डा है, SRDDA SR अड्डा जो कि कैपिटल लेटर में, अगर उस कोड को डालेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं तो मैंने अपना कोड जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको वहाँ पे आपको 58% के अलावा 10% एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा और आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप SSC CGL और CHSL के अनअकैडमी द्वारा चलाई जा रही फ्री टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।